वालेकुम क्लास, हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हमारा ये जो लेक्चर है ये हमारा टाइप्स ऑफ अटैक्स के ऊपर कि किस किस टाइप्स के अटैक्स जो है वो हम पे परफॉर्म हो सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहले हम बात करेंगे वॉर्म की बात करेंगे, ये वायरस की सब क्लास है, ठीक है। इट रन इटसेल्फ इवन विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन। बिगेस्ट डेंजर विद अ वॉर्म is its capability replicate itself onto your system. अच्छा, basically होता क्या है, ये वाले जो viruses हैं, ये अपने आप को क्या करता है, replicate कर रहा होता है, ठीक है। replicate से मतलब ये है कि ये अपने आपको एक system से दूसरे system के अंदर जो है ना वो transfer कर रहा होता है over the network. Over the network कैसे transfer कर रहा होता है, जब आपका computer किसी दूसरे computer के साथ connect होता है तो उसमें जो है ना वो आपके पास वो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू होता है और आप उस नेटवर्क पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब भी आप कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं या कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ, तो उसमें क्या होता है कि ये आपका वॉर्म भी साथ अटैच होकर चला जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि अपने आपको रेप्लिकेट भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, Trojan horse क्या हमारे पास, initially appears to be useful software but actually do the danger once installed or on our computer. आपके पास जो Trojan horses का मतलब ये है कि वो आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके बहुत फायदे की चीज है और आप उसको खुद से इंस्टॉल भी करेंगे, लेकिन असल में वो आपके फायदे की चीज नहीं होगी। असल में ये आपको बताना चाह रहा है, इसकी बहुत अच्छी और आसान एग्जाम्पल है क्रैक्स। ऑल क्रैक्स आर Trojan horses, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये है विंडोज सिक्योरिटी और इसमें हम जाते हैं वायरस एंड प्रोटेक्शन में। यहाँ पे हम जाते हैं प्रोटेक्शन हिस्ट्री में। यहाँ पे हम जाते हैं और हम जो क्वारंटाइन आइटम है कोई भी नहीं, नीड आइटम तो खैर कोई भी नहीं है, रेकमेंडेड आइटम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हमें नॉर्मली क्या लग रहा होता है कि हमारे पास जो हमने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है उसके साथ जो हम क्रैक इसका जो इंस्टॉल कर रहे हैं या पैच हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो हमें यूजफुल लग रहा होता है। Trojan की एग्जांपल यही है कि वो आपको लगेगा कि ये वो चीज नहीं है जो हमें दिख रही है, हमें ये बहुत फायदेमंद लग रहा है, तो वो आपको फायदेमंद लगता है, लेकिन असल में वो क्या कहता है, आपका फायदा भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको फायदा नहीं करता, आपको फायदा भी पहुंचाता है, लेकिन असल में क्या करता है कि वो आपको इंटरनली आपका नुकसान कर रहा होता है। हो सकता है उसने रिमोट एक्सेस लिया हो। रिमोट एक्सेस का पता है आप लोगों को क्या होता है, ठीक है, रिमोटली वो कोई सिस्टम जो है ना वो आपके सिस्टम को जो है ना वो यूज कर सकता है, ठीक है, या फिर वो आपके सिस्टम को जो है ना वो बैकडोर जिसको हम कहते हैं वो बैकडोर से भी जो है ना वो आपको इंस्टॉल यूज कर रहा होगा। तो अब ये हमारे पास Trojan horse है जो आपको पता नहीं है, आपने खुद इंस्टॉल किया, आपने खुद अलाउ किया। इसी तरह से हमारे पास है वायरस, ठीक है। कंप्यूटर वायरस जो होता है नॉर्मली क्या करता है कि अपने आप को किसी प्रोग्राम के साथ अटैच करता है। देखिए फर्क है, Trojan अलग है, वायरस अलग है। आप Trojan को वायरस नहीं कह सकते, वो किसी फाइल के साथ अटैच नहीं होता, उसको तो आप खुद इंस्टॉल करते हैं, वायरस को आप खुद इंस्टॉल नहीं करते। अच्छा, Trojan का आप खुशी खुशी इंस्टॉल करते हैं, खुद लाते हैं आप, डाउनलोड करते हैं, खुद इंस्टॉल करते हैं, आप कहते हैं नहीं ये मेरे काम का सॉफ्टवेयर है। हाँ, वायरस अगर वो विंडोज सिक्योरिटी उसको पकड़ भी लेता आप कहते हैं ना ना इसको जाने दो, अलाउ कर दो इसको, ना तो क्वारंटाइन करो ना इसको रिमूव करो, ठीक है, बल्कि इसको अलाउ कर दो, इसको चलने दो वरना मेरी विंडोज पकड़ी जाएगी या फिर जो है मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पकड़ा जाएगा या कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको मैंने इसके थ्रू क्रैक किया है या पैच लगाया है। वायरस नहीं है ये, वायरस अलग चीज है। वायरस खुद अपने आप को किसी न किसी फाइल के साथ क्या करता है, अटैच कर देता है एक्सी फाइल के साथ, कि जैसे ही आप क्लिक करें किसी भी एक्सी या रनेबल फाइल के साथ, वो जावा की भी हो सकती है अगर आप जावा के एनवायरमेंट में, वो डॉट नेट की फाइल हो सकती है अगर डॉट नेट की है, वो पाइथन की फाइल हो सकती है अगर पाइथन की एग्जीक्यूटेबल फाइल है,
ठीक है, तो कोई भी एग्जीक्यूटिवल फाइल जो कि जिसको चलाने से जो डॉट एपीके फाइल भी हो सकती है, एनीवन नोस डॉट एपीके, डॉट एपीके कौन सा एक्सटेंशन है तुम्हारे अलावा, किसी को पता डॉट एपीके कौन सा एक्सटेंशन है? मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो भी एक रनेबल फाइल है, ठीक है, डॉट एपीके। तो डॉट एपीके के साथ क्या होगा कि आपके साथ अपना आपका वायरस जो है ना उसको अटैच कर सकता है अपने आप को, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते तो वायरस भी साथ में क्या होता है रन हो जाता है। आपने अपनी खुशी से नहीं चलाया, वो खुशी से क्या चलाया था, वो तोर जानता। फिर स्पाइवेयर, स्पाइवेयर कुछ नहीं करता ये, अच्छा वायरस जो है ना वो नॉर्मली आपकी फाइल करप्ट कर देता, जिस फाइल के साथ अटैच होता है ना उसको खुलने नहीं देता, आप खोले जा रहे हो वो खुली नहीं पाई, एक्सेल की फाइल है या वर्ड की फाइल है या कोई और फाइल है, आप उसको चलाए जा रहे हो, उसने करप्ट कर दी। इसका काम यही है, खुश होता है वायरस का काम ये है, ठीक है, कि वो आपको क्या करता है खराब कर देता है उस फाइल को जिससे अटैच हो। अगर मेरे साथ अल्लाह ने अगर खुदा ना खासा किसी की बंदे के साथ जब वायरस अटैच होता है, अब तो हम बहुत समझ गए वायरस को, जब से कोविड आया है तब से हमें बड़ी पता लगे वायरोलॉजी क्या चीज होती है। तो वायरस जब किसी इंसान को लग जाता है तो क्या होता है उसको खराब करता है ना, बस उसका यही काम होता है वायरस का कि वो उसको खराब कर रहा होता है। तो यही काम वायरस का यहाँ भी यही है, कंप्यूटर वायरस का भी। स्पाइवेयर, स्पाइवेयर कुछ नहीं करता, स्पाइवेयर कोई काम नहीं करता, ये स्पाइंग करता है। स्पाई का नाम सुना है ना आपने, जासूस, स्पाइवेयर सिर्फ जासूसी करता है। वो क्या करता है, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, चुपचाप से बैठा रहेगा और आपकी इंफॉर्मेशन उठा उठा के जो है ना अपने सीसी बोलते हैं हैकिंग लैंग्वेज के अंदर, पता है सीसी का कमांड कंट्रोल, कमांड कंट्रोल हमेशा उसको कहते हैं जो जिस हैकर ने उसको जनरेट करके आप पे फेंका होता है और वो उसके पास डेटा भेज रहा होता है, तो वो सीसी होता है, कमांड कंट्रोल, जिसके पास होती है कमांड। सीसी बहुत सारे हैं, हम हैकिंग में कह रहे हैं, हैकिंग में, ठीक है, तो कमांड कंट्रोल होता है, तो वो कमांड कंट्रोल कर रहा होता है। स्पाईवेयर में क्या कर रहा होता है, वो अपना उसका डेटा जितना भी है वो सारा क्या कर रहा होता है, अपने उसको भेज रहा होता है पेरेंट को, जिसने उसको बनाया इस काम के लिए। अच्छा, कोशिश है मेरी कि हम जो है वो, मैंने पहले भी कहा था मेरी कोशिश है कि मेटास्प्लॉइट से बनाएंगे और अपने सिस्टम में अटैक करेंगे, कोशिश है मेरी, ठीक है। अगर किसी के पास कोई पुराना फोन है, पुराना फोन से बना दीजिए कि एंड्रॉयड 4.4 से पहले का वर्जन या 3.8 में है, तो उसको हम हैक कर सकते हैं इसी क्लास में बैठ के, मैं आपको हैक कर दूंगा। ये सब मैंने करवाया है, लेकिन इट्स रिक्वायर्ड टू मच टाइम, इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, मसला ये, ठीक है। अब ये कि हमारे पास स्पाईवेयर है, ठीक है, स्पाईवेयर क्या करता है, इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल के देता रहेगा। इसकी बहुत आसान एग्जांपल है आपके पास, की लॉगर्स, की लॉगर्स, की लॉगर्स क्या होते हैं? की लॉगर्स क्या होते हैं बेटा? अच्छा, की लॉगर क्या होता है, मैं जो कीज प्रेस कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, वहां पे मेरा डाटा सारा जा रहा है और वो वहां पे टाइप होता जा रहा है, जो भी है ना वो डाटा मेरा ट्रांसफर कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो मुझे तंग तो नहीं कर रहा, मुझे परेशान नहीं कर रहा, मुझे तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन क्या कर रहा है, वो स्पाइंग कर रहा है, की लॉगर का काम होता है। इसी तरह से जो मैंने आपको बता रहा था, एक होता है हमारे पास वायरस के अंदर होता है जिसको हम कहते हैं डिस्प्ले कंट्रोल, स्क्रीन शॉट लेता रहता है, ये भी एक वायरस है, स्क्रीन शॉट ले लेके भेजता रहेगा, ठीक है, आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है वो भेजता रहेगा, तो स्पाइंग का काम कर रहे होता है वो आपके पास, ठीक है। ये क्लियर, हमारे पास चंद वायरसेस बताए मैंने, वॉर्म है, दोजान होस है, वायरस है, और इन सब का जो मेन है, मेन जो टॉप पे है वो है मालवेयर। क्या है मालवेयर का मतलब है कि कोई सॉफ्टवेयर मिलीशियसली इफेक्ट करे, ठीक है, मालवेयर ये इतना हिस्सा निकला है सॉफ्टवेयर से, ठीक है, और ये इतना हिस्सा निकला है, ठीक है, क्योंकि मैं गूगल पे ज्यादा निर्भर करता हूँ, सही है, तो इस वजह से, तो इन दोनों से मिलके क्या बना है, मालवेयर। तो मालवेयर असल में जो है फादर ऑफ ऑल ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ना इन सबका है, इसके नीचे तक सारे जितने के सर्च के नीचे, ठीक है, तो असल में क्या है मालवेयर, तो मिलीशियस सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो हमारे मालवेयर कहलाते हैं, फिर उसके नीचे सारे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर में आप लोगों को मैंने पहले बताया था व्हाट इज डोमेन नेम सर्वर, इसमें ये हमारा प्रोटोकॉल होता है, आपने पढ़ा होगा डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर, इसको बताने की जरूरत नहीं है। HTTP इज अ प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन
बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है, और उसके ऊपर वो क्या करता है, वेब कम्युनिकेशन कर रहा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर की कम्युनिकेशन करनी होती है, ठीक है, उसको प्रोटोकॉल। ये आपके पास सर्वर कंटेन्स डोमेन नेम, ये पाथ है और ये रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब क्या है, जो फाइल है, ठीक है, यानी कि वो फाइल जहां पे मौजूद है उस फाइल की लोकेशन आपको वो दे रहा है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है हमारे पास, एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस, बिकॉज डोमेन नेम्स आर अल्फाबेटिक, द इजियर टू रिमेम्बर द इंटरनेट हाउएवर इज रियली बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस एवरी टाइम यू यूज डोमेन नेम। अच्छा, मेरे ख्याल में मुझे लगा कि कोई नई बात लिखी होगी, लेकिन कोई नई बात नहीं है, सिंपल सी बात है। इसको हम दो तीन चीजें के नाम से ले रहे थे, एक होता है डोमेन नेम सिस्टम, एक होता है डोमेन नेम सर्वर, एक होता है नेम रेजोल्यूशन सिस्टम, एक होता है नेम रेजोल्यूशन सर्वर। ये चारों नाम एक ही चीज के, ठीक है। तो उसमें होता है कि आप अपने यूआरएल में, ये जो यूआरएल दिया हुआ है इसके अंदर आप क्या लिखते हो, www.google.com, तो वो क्या करता है, ये सिस्टम जो मैंने चार नाम दिए, इस सिस्टम क्या करता है कि उसको उसके आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। वो आईपी एड्रेस कहीं से आता नहीं है, उसके पास पहले ही मौजूद होता है, सबसे पहले वो आईपी एड्रेस आपके अपने घर के राउटर में मौजूद होता है। अगर आपने कभी उसमें उसको उसको नहीं किया, रिफ्रेश नहीं किया ना, रिस्टोर डिफॉल्ट नहीं किया, तो उसके पास वो सेव होगा। अगर आपने कभी भी उस पर एक्सेस किया, वो अपने पास रखता है, जो फ्रीक्वेंट यूज होते हैं ना उनके डोमेन अपने पास रखता है। फिर वो आगे 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 फर्दर जो है ना डोमेन नेम सिस्टम आगे आगे वो पढ़ता है। इसकी भी अपनी एक दुनिया है। फिर ट्रांसमिशन मोड्स है हमारे पास, जिसमें सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। सिंप्लेक्स में ये होता है कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, बस खत्म कहानी। टीवी आप कुछ भी नहीं बोल सकते टीवी पे, आपने अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई पीटीवी या कोई चैनल लगाया हुआ है, बोले जा रहा है, सुने जा रहे हो, आप उसको बोले भाई चुप कर जाओ, कभी चुप नहीं होगा। सो देयर इज अ सिंगल मोड ट्रांसमिशन। फिर आपके पास हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोग बोल सकते हो, अभी नहीं बोल सकते ना, यू आर नॉट अलाउड टू टॉक ना, लेकिन फिर भी बोल रहे हो आप लोग कंटिन्यूअसली, इधर लगे हुए उधर लगा हुआ है, ठीक है, कोई तो काम की बात नहीं है, ठीक है, तो लेकिन फिर भी लगे हुए। अच्छा, तो ये हाफ डुप्लेक्स कैसे हुआ कि आपने अगर बोलना है तो मैं चुप होऊंगा, आप में से किसी स्टूडेंट ने हैंड रेस किया सर मुझे कुछ कहना है, इसका मतलब है कि आप बोलने का मूड में हो या कुछ बोलना चाह रहे हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा, अब आप बोलोगे मैं सुनूंगा। तो इसकी बहुत आसान एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी में यही होता है कि जब कोई एक बंदा बात कर रहा होता है ना, तो वो बात करने के बाद जब कहता है ओवर, ओवर का मतलब है कि बस मैंने कह लिया, अब आप बोलो, फिर वो अगला बंदा बोलता है, तो फिर वो आखिर में कहता है ओवर, ओवर का मतलब ये होता है कि अगले को सिग्नल देना कि बस अब मैंने अपनी बात खत्म कर ली, अब आप बोलो, ठीक है। अक्सर हम बोलते हैं क्या पागलों की तरह ओवर ओवर लगे रहते हैं, ऐसे ही है ना, होता है ना। अच्छा, फुल डुप्लेक्स में ये कि दोनों बात कर सकते हैं, ये जो आजकल का जीएसएम फोन है ना हमारे पास, ठीक है, जीएसएम फोन के अंदर हमारे पास क्या है कि हम दोनों एट अ टाइम बात कर सकते हैं, मोस्टली अगर कभी लड़ाई हो जाए, दोनों बोल रहे होते हैं, दोनों बोल भी रहे होते हैं, दोनों सुन भी रहे होते हैं, सुन नहीं भी रहे होते हैं, और एट अ टाइम दोनों की वॉइस आ जा रही होती है, तो ये दैट इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स। मजा आता है लड़ने लड़ने में, मजा आता है ना। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये हमारे पास ये ट्रांसमिशन मोड तक इंशाल्लाह हम इसको रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।